ये है गोपाल फाड़। लक्ष्मी 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 आ गए, आके पूरा गांव सर पे उठा लेंगे। बोलिए बोलिए, क्या हुआ? जल्दी आकर देखो क्या लाया हूँ। आ रही हूँ। क्या हुआ है जो चिल्लाते रहते हैं? ये देखो कितना बड़ा मछली लेके आया हूँ मैं। हाय हाय, इतना बड़ा मछली, माँ माँ मैं मछली का पकोला खाऊंगा। माँ माँ, दिन भर तो खा खा कर घूमता रहता है, तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? और मछली देखकर तेरे मुंह से पानी टपकने लगा, खाने पीने के अलावा तुझे और कुछ नहीं सूझता। क्या होगा पिताजी? ये काम करो लक्ष्मी, इस मछली को तलकर इसे मसाले में अच्छी तरह से बनाकर हम सब अच्छे से खाएंगे। बहुत दिन हो गया है हम लोग मछली नहीं खाए हैं, आज खाएंगे। अच्छा, मैं मछली का पकौड़ी खाऊंगा तो मुझे दर्द आएगा, खुद मछली का थपड़ी खाएंगे, ठीक है? आपको भी एलर्जी हो जाएगा पिताजी। माँ, आप लोग सुबह सुबह क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं? देख देख, तेरे पिताजी कितना बड़ा मछली लेकर आए हैं, यही बातें हम लोग कर रहे थे कि इसका क्या बनेगा। तो क्या बनेगा? अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है कि क्या बनेगा। तेरा भाई बोल रहा है पकौड़ी खाऊंगा और तेरे पिताजी सब्जी। और आप क्या खाएंगे? मछली का सब्जी पकौड़ी हमेशा बनता रहता है, लेकिन दही वाला मछली बहुत दिन हो गया खाए। आप लोग पकौड़ी सब्जी दही वाला सब्जी जो खाना है खाइए, लेकिन मेरे लिए तला हुआ मछली रख दीजिएगा, मैं तला हुआ मछली खाऊंगी, वरना मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मर के भी शांति नहीं मिलेगा। आ गई ये महारानी, मैं कह रहा हूँ मछली का सब्जी खाऊंगा। नहीं, तला हुआ मछली। नहीं, दही वाला। नहीं, पकौड़ी। मैं बोल रहा हूँ ना, सब्जी खाऊंगा। दही, पकौड़ी, तला हुआ। ठीक है, आज सब कुछ थोड़ा थोड़ा सारा बनाऊंगी। बतासी, मछली काट दे। आ रही हूँ मालकिन। क्या हुआ है जमींदार जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है क्या? बोलिए जमींदार जी। हाँ, क्या हुआ, क्या परेशानी है? हरिचरण हम सबको छोड़कर चला गया, इसीलिए मेरा मन उदास है। वैसे सच्चा अच्छा व्यक्ति मुझे दोबारा कहाँ मिलेगा? वही मेरा सच्चा दोस्त था। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है। तो इस बारे में आप किसी पंडित से सलाह लीजिए। पंडित जी वो क्या कर लेंगे, किसी का मन देखकर मुझे बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। अब भी ना क्या बोलते हैं? क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जमींदार जी? कभी कोई पंडित किसी भी व्यक्ति का मन अंदर से कभी पहचान पाया है? या फिर दुनिया में ऐसा कोई मंत्र है जो किसी के मन के अंदर का बात बोल दे? यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी गुरु के बातों पे विश्वास करके चलते हैं। पंडित जब भविष्यवाणी करते हैं, लोगों का भूत उतरते हैं, तो किसी के मन को क्यों नहीं पहचान सकते हैं? आपकी बातों में दम है। ठीक है, जो आपको सही लगता है आप वही कीजिए। ठीक है जमींदार जी। सब समझ में आ गया है, लेकिन किसी का मन का बात
वो हमसे नहीं होगा। किसके मन में क्या है ये नहीं कह सकता मैं। क्यों क्यों नहीं कह सकते हैं आप? इस काम के लिए आपको हम पैसे देंगे आपको। आप जितना भी कीमत मुझे दे दो पर ये काम मैं नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? पर क्यों नहीं करेंगे आप? मैं एक पंडित हूँ। मैं ज्ञान प्राप्त कर तपस्या कर अपने आप को एक अच्छा पंडित तो बना लिया हूँ। लेकिन इंसानों के मन की बात जान सकते हैं तो वो है भगवान, हम इंसान नहीं। क्योंकि मनुष्य की मन की बात जानने के लिए जरूरत है दिव्य शक्ति की, जो मेरे जैसा पंडित और तुम्हारे जैसा मामूली इंसान के बस में नहीं है जानना, समझे? इसका मतलब अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब क्या होगा हमारा जमींदार का? उन्हें अपना दोस्त जैसा मुनिम नहीं मिलेगा तो वो दुखी रह कर उनका तबीयत खराब हो सकता है। अगर उनका तबीयत खराब हो गया तो जमींदारी कौन संभालेगा? क्या करूँ अब मैं? एक रास्ता है। कैसा रास्ता पंडित जी? हमारे घिरनी गांव का नेपाल नाई है ना, वही काला काला मोटा मोटा, याद नहीं है? घिरनी गांव के कोने में जो एक छोटा सा कुटिया था जिसमें एक दादी माँ थी। हाँ, ये आया, जिसका बेटा गोपाल है जो कृष्ण नगर के राज दरबार में काम करता है। सुना हो कि कृष्ण चंद्र महाराज उस गोपाल को बहुत मानते हैं, वो का विदूषक है गोपाल। हाँ, अब ठीक ही सुने हैं। उसका कारण ये है कि गोपाल बहुत ही बुद्धिमान है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप जाकर गोपाल से मिलिए, हो सके तो वो आपके समस्या का समाधान कर देगा। जाइए आप उसी के पास। ठीक है तो मैं जाकर कहता हूँ अपने जमींदार को, अगर वो ये बात सुने तो अच्छा होगा, वरना उन्हें खुद ही जाना पड़ेगा अपने दोस्त मुनिम के पास ऊपर। सही कह रहे हैं आप। ठीक है मैं चलता हूँ। पंडित जी ये बात कहे है? जी हाँ जमींदार जी। जरूर कुछ सोच समझ कर ही ये बात कहे होंगे। ठीक है तो गोपाल को इज्जत से बुला कर ले आओ जितना जल्दी हो सके तो। जी हाँ जमींदार जी। सच में लक्ष्मी, जितना तुम्हारा उम्र ढल रहा है तुम उतना ही स्वादिष्ट खाना बना रही हो। क्यों क्यों अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अभी तक तो मुझे पता था कि मछली का सब्जी ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन पता चल गया कि पकौड़ी भी स्वादिष्ट है। अच्छा मैं अगर बोलूं कि मछली का सब्जी ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है तो क्या बोलिएगा? हाँ वो भी ठीक हो सकता है। तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। जी महाराज, कृष्ण चंद्र के विदूषक का घर यही है क्या? हाँ यही है। जी आप ही गोपाल है? जी हाँ मैं हूँ। लेकिन क्या बात है जो मुझे ढूंढ रहे हो, क्यों आए हो? जी मुझे पास के गांव के जमींदार भेजे हैं, इसलिए मैं आपको ढूंढते यहाँ आया हूँ। पास के गांव के जमींदार जी? लेकिन मेरे पिताजी का जो कर्ज था वो तो मैं चुका दिया हूँ, फिर क्यों? नहीं कर्ज लेने के लिए नहीं भेजे हैं। तो फिर? जमींदार जी आपके लिए ये पत्र भेजे हैं, इसे पढ़कर आप सब कुछ समझ जाएंगे। पत्र? हाँ दीजिए। गोपाल बहुत दिन हो गया तुमसे कोई मुलाकात नहीं हो पाया। हमारे गांव में तुम्हारे पूर्वजों का कुछ जगह जमीन है, तुम अभी महाराज कृष्ण चंद्र के राज्यसभा में नौकरी कर रहे हो, वहाँ के विदूषक हो, और तुम कृष्ण नगर में कुछ जमीन जगह भी खरीद लिए हो, और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि तुम अपने पूर्वजों के कर्ज अच्छी तरह से चुका दिए हो, लेकिन तो भी मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। हो सके तो तुम मेरे पहरी के साथ आज ही तुम चले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। लगता है बहुत जरूरी है मिलना, क्या करूँ? कुछ भी हो अगर जमींदार जी आपको बुलाए हैं तो जरूर कोई काम होगा, जाकर मिलकर आइए। तो क्या आज ही जाऊँ?
जाइए, जाकर घूम कर आइए, जाकर जमींदार से मिल लीजिएगा। अगर समय मिले तो पूर्वजों का जमीन भी देख कर आइएगा। ठीक है, तो जाता हूँ। लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जाइए। जय माता रानी। जमींदार जी, गोपाल आ गए। इज्जत से उन्हें अंदर ले आओ। हाँ, समझी को बोला देना। ठीक है जमींदार जी। एक मुनीम के लिए आप खाना पीना सब छोड़ कर बैठ गए हैं। अब चिंता मत कीजिए जमींदार जी, मैं आपके लिए एक मुनीम आज ही ढूंढ दूंगा। आज ही मुनीम ढूंढोगे? ये तो आश्चर्य की बात है। ठीक है ठीक है, अगर तुम ढूंढ दिए तो नदी के किनारे जो 50 एकड़ जमीन है वो मैं तुम्हें दान में दे दूंगा। हाँ, हमारे जमींदार जी अपने बातों से नहीं मुकरते। आप ये बताइए, आपके मुनीम होने लायक व्यक्ति ऐसा कोई है आपके नजर में, या फिर गांव में डंका पीटकर ऐलान करना होगा? नहीं नहीं, मेरे नजर में ऐसा कोई नहीं है, तुम डंका पिटकर बोल सकते हो। जैसी आपकी मर्जी। सुनो 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 गांव वाले सुनो, हमारे जमींदार के मुनीम बीमार होने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया है। इस वजह से जमींदार जी बहुत दुखी है, इसलिए वो एक नए मुनीम को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई मुनीम बनना चाहता है तो वो आकर जमींदार से मिले। अपना मुनीम बनाने के लिए जमींदार जी एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है तो जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर ही आके मिले। क्या बात है गोपाल, कहो जरा। 2 दिन तो बीत गया लेकिन 2 लोग आए। हमारे बाप दादा के जमाने में मुनीम के लिए हजारों आते थे। कारण ये है कि जमींदार जी, हमारे बाप दादा के जमाने में मुनीम लोगों को काम करने पर बहुत बहुत सारा मोहर दिया जाता था, लेकिन अभी के जमाने में थोड़े से पैसे में ही बहुत काम करवाते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं किसी और का काम करने से अच्छा है खुद के खेतों में काम कर कर अनाजों को बेच कर उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जी मुनीम बनने के लिए सिर्फ 2 लोग आए हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ ले आइए। जमींदार जी, आप जल्दी से उस घर में चले जाइए और उस पर्दे के पीछे से छुप कर देखिए कौन होगा आपका मुनीम। ठीक है, जा रहा हूँ। गोपाल, ये 3 है। हाँ ठीक है, श्याम जी आप जा सकते हैं। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? जी चंदू है। चंदू? नहीं नहीं, चंदू है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? जी पंचू। संजू जी, अब संजू कहिए और मंजू कहिए और पंचू कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम बहुत बातें करते हो। सभी आप लोगों का दुआ है। लेकिन तुम एक बकरा हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, वरना ये काम क्यों करने आता। तुम्हारा साफ साफ बात मुझे अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? आप जो बोलेंगे वही। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ भूखा कुत्ता। हाँ, भूखा कुत्ता ही हमारा नाम है। तुम क्या पनौती हो? आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है। आप सही समझ रहे हैं। जात क्या है? जी हिंदू हूँ, ब्राह्मण का बेटा। लेकिन हमारे जमींदार तो कुछ दिनों बाद मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, बकरा गोश्त मुर्गा सभी खाएंगे। खाओगे? यदि जमींदार जी को ये लगता है कि वो सब खाना चाहिए, अगर खाना वो सब जरूरी है तो मैं जरूर खाऊंगा। गोपाल जी, क्या हिंदू ब्राह्मण होकर गाय का गोश्त खाओगे? छी छी छी,
तुम नरक में जाओगे पापी। हम दोनों आज ही हिंदू पंडितों को बुलेंगे, जमींदार के खिलाफ हम लोग शिकायत करेंगे। चलो चलो चलो, हम लोग अब यहाँ नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, यहाँ से चलो। छी 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 छी, यहाँ से चलो। जमींदार जी, आप पर्दे से बाहर आ जाइए। गोपाल, ये है मेरा मुनीम। जी हाँ जमींदार जी। तुम्हारा विचार मैं तो सुन लिया, लेकिन ये लड़का मुनीम का जिम्मेदारी संभाल पाएगा? जमींदार जी, ये एक हिंदू है। आपके बातों के अनुसार अगर ये गाय का मांस खा सकता है तो क्या नहीं कर सकता। हाँ ठीक बोल रहे हो। तो क्या नाम है तुम्हारा? जी भूखा कुत्ता। नहीं वो नाम नहीं, तुम्हारा असली नाम क्या है? जी शिव। एक साथ दो प्राप्त हुआ है, मुनि मिला और भगवान का नाम भी। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना। तुम्हारे साथ रहकर ना जाने कैसे दिन बीत गए। आपको मुनीम कैसा लगा है जमींदार जी? अच्छा है, मन लायक? हाँ गोपाल, मुनीम अच्छा है, मेरे मित्र जैसा। एक दिन में बोला सीख देखो चांदनी रात कैसा हुआ है, तो क्या बोला पता है? क्या बोला जमींदार जी? बोला बहुत सुंदर है, सूरज इसके सामने कुछ नहीं। मैं पूछा ऐसा क्यों, तो बोला वो इसके रोशनी से गर्मी नहीं लगती, पसीना भी नहीं होता, ऐसा बोल रहा था वो। चलो मुनीम तो अच्छा है ना, बोलिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये लो तुम्हारा इनाम। धन्यवाद जमींदार जी। सुनाओ कि तुम कृष्ण नगर जा रहे हो? हाँ जमींदार जी, मैं आज ही चला जाऊंगा। लेकिन क्यों, यहाँ तुम्हारे खातिरदारी में कोई कमी है? जी नहीं जमींदार जी, आपके छत्र छाया में मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। मेरी बीबी बच्चे सब पता नहीं कैसे होंगे। हमारे कृष्ण चंद्र महाराज का भी क्या समाचार है कुछ पता नहीं, इसीलिए कृष्ण नगर जाने के लिए मेरा मन छटपटा रहा है। जाने से पहले मैं अपना जमीन देखना चाहता हूँ। जब जाना चाहते हो तो मैं नहीं रुकूंगा तुम्हें। तो बताओ कब जाओगे, मैं तुम्हारे साथ दोपहरी भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं पहरी का जमींदार जी, जब मैं अपने पूर्वजों का जमीन देखने जा रहा हूँ तो अपना सर नीचे झुका के जाऊंगा, पहरियों के साथ सर उठा के नहीं। वरना स्वर्ग से मेरे बड़े मुझे देखकर गुस्सा हो जाएंगे और शराप दे देंगे। अब तकलीफ मत कीजिए जमींदार जी, मैं चला जाऊंगा, मुझे पहरी का जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। तो फिर मैं चलता हूँ जमींदार जी, प्रणाम। खान साहब, कुछ समाचार सुने हैं? नहीं बेटा, कैसा समाचार? युद्ध होने वाला है क्या हमारे राज्य में? हाँ नहीं 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 गोपाल, वही हमारे नायक का बेटा गोपाल, जमींदार उससे आमंत्रित किए हैं। जमींदार बुलाए हैं उसे? हाँ हाँ बुला सकते हैं। गोपाल अभी कृष्ण चंद्र महाराज का दाहिना हाथ बन गया है, राज्यसभा का विधायक है। जमींदार उसे नहीं बुलाएंगे तो क्या हमें बुलाएंगे? हाँ वो तो है ही। खान साहब, आपको वो बात याद है? कौन सी बात बोलो। आय हाय, भूल गए आप, वही हमारे अल्लाह को टल्ला बोला था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब जब मैं गोपाल से बहस करता हूँ तब तब गोपाल मुझे बहस में हरा देता है, लेकिन अब वो मुझे नहीं हरा पाएगा। क्या कीजिएगा? सुन, एक तला हुआ मछली ला सकता है मेरे लिए? क्यों नहीं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। तो जल्दी लेकर आ। अभी जा रहा हूँ। बस खाना तैयार है, अब गोपाल का इंतजार है। ओए आलम, जाकर देख तो गोपाल आ रहा है कि नहीं। जा जा आलम, जल्दी जा जाकर देख। हाँ खान जी,
वो गोपाल इधर ही आ रहा है। बोला बोला उसे। गोपाल चाचा, गोपाल चाचा। कौन? अच्छा आलम, तो कैसे हो, घर पे सब कैसा है? सब ठीक है, आपको खान साहब जी बुला रहे हैं। खान साहब मुझे बुला रहे हैं? मतलब फिर से धर्म लेकर युद्ध मजा चखाता हूँ। खान साहब मुझे बुला रहे हैं? अच्छा रुकिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है आ रहा हूँ। और बताइए खान साहब जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? अपना जमीन देखने। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बात है, जमीन देखने जा रहे हो। गोपाल ये देखो, तुम्हारे ईश्वर का अवतार भोजन कर रहा हूँ। रुको, तुम्हारे बातों से मैं तुम्हें मारूंगा। अवतार मतलब तृतीय अवतार। तृतीय अवतार मतलब सारा गला मरा, मतलब सुअर। ची ची ची, या गोपाल, तुम एक मुसलमान को सूअर का गोश्त खाने को कह रहे हो? ये हमारा मुस्लिम धर्म का अपमान है। कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा? बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की स्वागत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर करे देखो नृत्य, ऐसा चरित्र। कानों से सुनो जरा, छुप छाप सोचो जरा, आँखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़।